हेलो लेडीज़ एंड मेन नमस्कार सत सलाम दिस इज़ अमित कपूर गाइस टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही यू नो इंटरेस्टिंग प्लेनेट की सोलर सिस्टम में जो अपना बहुत बड़ा इफेक्ट ह्यूमन पे देते हैं और आप समझ ले आपके भौतिक सुख आपके सुंदरता आपके ऐश्वर्य और आपके नेम फेम आपके भौतिक सुख आपका पैसा आपकी मैरिज लाइफ आपका शोहर आपकी पत्नी सुख का कारक ग्रह शुक्र राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं सेवनटीन्थ मार्च से लेकर टेंथ ऑफ अप्रैल 2021 तक वन साइन में यानी वीनस ट्रांजिट इन Pisces sign in exalted sign from 17th March to 10th of April 2021 today i'm going to talk about venus transit in pisces for all ascendants you know very well my all predictions are based on your ascendant sign nothing to do with your moon sign or zodiac sign just keep your uh, ascendant sign in your mind and listen to my videos and uh, now i'm going to talk about aries ascendants agar apka aries lagan hai, तो ये प्रडिक्शन आपके ऊपर 90 परसेंट अप्लाई होगी अगर आपका एरिस मून साइन है तो ये प्रोडिक्शन आपके ऊपर 60 टू 70 परसेंट अप्लाई होगी सो so सोकाइज आप अपने असेंडेंस साइन को अपने दिमाग में रखें और इस वीडियोज को सुने यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉमेसन सो लेट स्टार्ट फॉर द एरिस असेंडस एरिस असेंडस बींग अ लॉर्ड ऑफ योर सेकंड हाउस एंड सेवंथ हाउस वीनस ट्रांस डेट इन योर ट्वेल्थ हाउस वीनस इज कम्बस्थ यू नो वेरी वेल कि शुक्र जो हैं वो कम्बस् चल रहे हैं तकरीबन 16-17 अप्रैल तक कम्बस्त रहेंगे और ये बड़ा लंबा कम्बस्त फेस है शुक्र का इस साल में कि दो ढाई महीने लगातार यू you नो know, शुक्र जो हैं वो सूर्य से अस्त होने की वजह से एक्वेरियस में या पाइसिस में कम्बस्त रहेंगे तो जब भी कोई प्लानट पहली बार तो कम्बस्त होता है ख़ास करके एक शॉर्ट यू नो शॉर्ट ट्रांजिट प्लानट लाइक वीनस यू नो ट्रांजिट 25 डेज 20 डेज और 27 डेज इन वन साइन तो वो अपना कम्बस्त का इफेक्ट जो होता है वो छोड़ देता है आप ये समझ के चलें आप बहुत वीडियो सुनेंगे जिसमें आपको ये सुनने को मिलेगा शुक्र उच्च के हो रहे हैं लेकिन कम्बस्त हैं तो अपनी पावर्स नहीं दिखाएंगे ऐसा कुछ नहीं है शुक्र उच्च के हो रहे हैं एग्जाल्टिड हो रहे हैं पाइसिस साइन में जा रहे हैं अपने खुद के एग्जाल्टेसन साइन में जा रहे हैं और ये रिसिस आपके लिए ट्वेल्थ हाउस में जा रहे हैं अगर आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हो अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करते हो तो माशाल्लाह आप बड़ी तरक्की करने वाले हो कोई फॉरेन डील साइन होने वाली है कोई फॉरेन ट्रांजैक्शंस होने वाली है विच विल मेक यू हैप्पी एंड यू विल एंजॉय वेरी गुड मॉनेटरी गेन्स। यू डोंट थिंक अबाउट वीनस इज कमस आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन अ शॉर्ट मूविंग प्लानट नेवर गेट कम्बस् लाइक दिस कि वो ढाई महीने के लिए कम्बस्त हो जाए और अपना रिजल्ट ना दे और वो भी एग्जाल्टेड साइन में हो और वो भी काल पुरुष के हॉरस्कोप के ट्वेल्थ हाउस में हो फॉर एर इज दिस इज फॉर यू यू विल गेट ब्लेस्ड विद योर लव अफेयर इफ़ यू आर इन ए लव अफेयर यूर लव अफेयर विल टर्न इन लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप इन मैरिज सो अगर आपका कोई रोमांस चल रहा है या कोई रिलेशनशिप चल रहा है या कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप था तो वो अब चीज़ें ठीक होंगी और यू विल बी इन ए फार फार बेटर पोजिशन क्योंकि आपका लगन और काल पुरुष कुंडली का चार्ट इट्स अ लाइक अ सेम एरिस असेंडेंस शुक्र का बारहवें भाव में जाना शुक्र का पाइस साइन में ट्रांजेक्ट करना आपके लिए भौतिक सुखों में वृद्धि लेकर आएगा आप कुछ अपनी लग्जरी पे पैसा खर्च कर सकते हैं अपने यू नो ब्यूटी पे पैसा खर्च कर सकते हैं अपने लिए कुछ अच्छे ब्रांडेड क्लॉथ्स बाय कर सकते हैं इस सारे समय में सोर्स ऑफ अर्निंग फॉरन लैंड से रिलेटेड अगर आपकी कोई एक्टिविटीज़ हैं तो आपकी बहुत अच्छी रहेंगी लेकिन साथ में आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स भी होते रहेंगे सेविंग ज़रूर थोड़ी कम होगी क्योंकि सेकेंड लॉट सेवन्थ लॉट ट्वेल्थ में है आप जो कमाएंगे अपने भौतिक सुखों पे अपनी लग्जरी पे स्पेंड करेंगे तो इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है आदमी कमाता क्यों है भाई कमान कमाता ही इसीलिए कि वो अपने भौतिक सुखों में वृद्धि कर सके सो so ये समय रहेगा एरिस की आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी यू विल एंजॉय वेरी गुड सक्सेस दिस होल टाइम फ्रॉम सेवनटीन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू टेंथ ऑफ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी वन यू विल एंजॉय यू विल स्काई हाई एंड यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फॉरन लैंड एंड इफ यू आर इम्पोर्टर एक्सपोर्टर इफ़ यू आर एनी टाइप ऑफ यू नो Linked with any work which is linked with foreign land, you will definitely get blessed with a यू नो लॉट ऑफ गेंस और फॉरेन पीआर होना फॉरेन वर्क परमिट मिल जाना अगर आपने अप्लाई कर रखा है इस समय में ये भी एक्टिविटीज़ होती दिखती हैं क्योंकि आपके सेवंथ लॉर्ड सेवंथ हाउस से हम डेली इनकम देखते हैं रोमांस देखते हैं लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर देखते हैं ये भी हो सकता है एरिस की कि आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप शुरू हो जाए जो फार अवे प्लेस हो आपसे यानी कि जो बंदा सपोज करें आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो किसी की आपके साथ लंडन या अमेरिका में पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाए बिजनेस पार्टनर या आपका कोई अफेयर जो दूर दराज किसी मुल्क में है, वो आपका रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए तो ये चीजें मुझे बनती हुई दिखती हैं लेकिन अब आपके नेटल चार्ट में आपके बर्थ चार्ट में एरिस प्लैनेट्स की पोजिशन क्या है उसके लिए आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें ही विल लेट यू नो कि विच टाइप ऑफ प्लैनेट यू हैव इन योर बर्थ चार्ट एंड देन यू विल मेक ऑल प्लान्स अबाउट योर लाइफ इन दीस नियर अबाउट 25 डेज

नेवर गिव बैड रिजल्ट कभी भी बुरा रिजल्ट नहीं देता बहुत सारे लोगों के दिमाग में बह, वहम है भ्रम है कि अगर ग्यारहवें भाव में यानी अलेवन्थ हाउस इफ एनी प्लान इज़ इन अलैव हाउस डेबलिटेटेड साइन और रेट्रोग्रेट और कम्बस्थ इट विल नेवर गिव रिजल्ट ऐसा कुछ नहीं है ग्यारहवा भाव आपके हॉरोस्कोप का ऐसा भाव है कोई भी ग्रह वहाँ आकर बैठ जाए तो उसने आपको चमकाना ही चमकाना है अपनी महादशा या अंतरदशा में अगर वो अच्छे घरों का मालिक होकर अलवंथ में गया है अगर उसका रिलेशनशिप आपके असेंडस के साथ असेंडस लॉर्ड के साथ अच्छा यू विल डेफिनेटली विलेफिनेटलीट लॉट ऑफ अचीवमेंट्स सो टॉरस ये टाइम 17 अप्रैल से सॉरी 17 मार्च से 10 अप्रैल तक आप कोई वही बाई कर सकते हैं आप लग्जरी पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या कुछ अपने लिए हीरे मोती जवाहरात या कोई गोल्ड या सिल्वर बाई कर सकते हैं टॉरस ये टाइम आपके लिए सेविंग्स में राइज रहेंगी प्रमोशन आपको मिल सकती है आपका वर्क प्रेशर रहेगा लेकिन आप अपने वर्क प्रेशर को बड़ा इजीली अपने काम को करेंगे अपने प्रेशर होने के बावजूद और आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े खुश होंगे ये समय रहेगा दोस्तों के साथ टाइप बड़े अच्छे होंगे अगर कोई दोस्त आपके आपके रिश्ते खराब हो चुके हैं पिछले एक दो महीने में वो दोबारा से ट्रैक पे आ जाएंगे पैसे का लेन अच्छा होगा फ्रांशियर टाइप्स अच्छे होंगे नई पार्टनरशिप डीलिंग हो सकती है सेविंग्स में राइज हो सकती है देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच विल मेक यू हैप्पी Taurus, you just need to perform your best because these near about 25 days will be the biggest game changer days for you. Don't think like this Kisan sun is in con uh, conjunction with uh, you know Venus and Venus is combust and never give good result. No, nothing like that. You will definitely grow if you have a good Mahadasha or Antardasha in your birth chart. Taurus, this whole time from 17th March to 10th of April, you your old desires and dreams will be fulfilled. If you plan anything new or big, this time will bring a lot of positivity for you. गोइंग टू टॉक अबाउट जैमनी असेंडस जैमनी असेंडस आपके लिए शुक्र जो है वो एक रूलिंग प्लेनेट हैं आपके पंचमेश हैं आपके पंचमेश होकर आप ये समझ के चलें कि वो आपके कर्म भाव में सूर्य के साथ ट्रांजिट करेंगे और वो भी एग्जाल्टेड पोजिशन में ये समय आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉमिसिंग मुझे दिख रहा है जो चीज़ें खराब चल रही हैं काफ़ी समय से क्योंकि जुपिटर सेटर्न आपके अष्टम भाव में है शुक्र और सूर्य की ये युति केंद्र भाव में आपके लिए बिजनेस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज करा रही है नेम फेम आपका बनेगा आपको, आपकी रेपुटेशन राइज होगी हो सकता है कि आपका यू नो प्रोफेशनल लाइफ इन 24-25 दिनों में बहुत बाखूबी चले एंड यू विल अर्न वेरी गुड मनी थ्रू यूर अर्निंग देर इज अट्रॉग चांसेस यू मे अर्न मनी फ्रॉम यू नो एडिशनल अर्निंग सम आई सीन इन यूर डायनेमिक्स तो थोड़ा एफर्ट डालें आपको एफर्ट डालने की जरूरत है किसी कॉम्प्लिकेशन का हिस्सा ना बने नहीं तो ये 25 दिन जो आपकी गेम को चेंज कर सकते हैं एंड यू विल अर्न स्मार्ट मनी गुड मनी या बिग मनी वो आप किसी लिटिगेशन में इन्वॉल्व होकर ना इन पच्चीस दिनों को खराब ना कर दें किसी के साथ आर्गूमेंट ना करें अपने पेरेंट्स को इज्जत देते रहें रिस्पेक्ट देते रहें बड़ों की जितनी इज्जत देंगे बड़ों को जितनी रिस्पेक्ट देंगे उतना ज़्यादा फेम आपका बढ़ेगा अदरवाइज यू विल बी ए पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ज़रूरत है अपने काम की ओर फोकस करने की जैमनी स्ट्रगलिंग ईयर है आपके लिए अचीवमेंट्स इतनी नहीं है लेकिन रुक रुक के कुछ छोटे ट्रांजिट ऐसे आएंगे जैसे अभी वीनस आपके टेंथ हाउस में एग्जाल्टेड हो रहे हैं जो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट दे जाएंगे कि आपके आने वाले तीन महीने चार महीने इजिली निकल जाए सो यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट ड्यूरिंग दिस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव डेज जर्मनी अदरवाइज अगर आप इस अपॉर्चुनिटीज़ को भी जाने देते हैं कुछ नहीं करते आराम से घर में बैठे हैं सो रहे हैं दोस्तों के साथ बते रहे हैं नथिंग डू यू आर नॉट ट्राइंग टू डू एनीथिंग अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ तो आप एक बहुत बढ़िया इवेंट को इन 25 दिनों को अब आप, uh, आप मिस कर जाएंगे और बड़े लोग ये बोलेंगे यार पच्चीस दिनों में क्या होना है जब पूरे साल में नहीं हुआ ऐसा नहीं होता कभी कभी कुछ दिन ऐसे आते हैं जो हमें इतना अच्छा प्रॉफिट दे जाते हैं कि हमारे पाँच महीने का खर्चा निकल जाता है तो जर्मनी अपना बेस्ट करें ये टाइम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए जॉब लेकर आ रहा है अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट नहीं दे रहा था तो आपको प्रॉफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे आपको कुछ स्टेबिलिटी दिखेगी आपको यू you नो know, एक पॉजिटिविटी आप महसूस करेंगे और एक अच्छे समय को एंजॉय करेंगे अब बात करते हैं कैंसर रेसेंडस की आपके लिए नाइन्थ हाउस में शुक्र का एग्जाइटेड होना फॉरन रिलेटेड एक्टिविटीज यहाँ पर एक्टिव हो सकती हैं लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज विल मेक यू हैप्पी यू विल इन्जॉय ऑल अराउंड सक्सेस दिस होल टाइम फ्रॉम सेवनटीथ मार्च टू टेंथ ऑफ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी वन यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी थ्रू योर गुड फॉर्चून योर गुड फार्च्यून इज एक्टिव फॉर यू भौतिक सुखों में वृद्धि होगी आप नई गाड़ी बाय कर सकते हैं या रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं ये सारा टाइम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज रिवार्ड, नेम फेम लेकर आ रहा है कैसे त्रिकोणा भाव में शुक्र का एग्जाल्टेड होना आपके लिए उपलब्धियां अपर्चुनिटीज रिवार्ड प्रोस्पेरिटी लेकर आ रहा है जितने एफर्ट्स डालते रहेंगे उतनी बड़ी तरक्की इस समय में आपको मिलेगी देखे बेस बनाने के लिए 25 दिन छोड़े 25 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं अगर आप शिद्दत के साथ पॉजिटिव वे के साथ उस इवेंट को जो आपके सामने है आ, उसको आप कर रहे हो अगर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरे ट्रस्ट के साथ कर रहे हो तो 25 दिन तो बहुत ज्यादा समय है 25 मिनट में बेस बन जाता है तो यह सारा समय कैंसर आपकी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज फेम रिवॉर्ड्स लेकर आएगा आपके लिए नई नई उपलब्धियां लेकर आएगा शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज विल मेक यू हैप्पी इफ यू आर ऑलरेडी अप्लाइंग योर पीआर यू विल डेफिनेटली गेट पीआर आर द इज नो डाउट Lot of good events will knock you, cancer. You just need to perform your best. Do your best and try to perform best in, with each passing day after 17th uh, March because you will be sky high. Good fortune is in your favor. Ninth house your as uh, a sun and Venus transit in your ninth house, it will give you lot of lot of good opportunities. So ab baat karte लियो सैंडस की लियो सैंडस आपके लिए शुक्र जो हैं वो आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं जो लोग अकल्ट से जुड़े हैं रिसर्च से जुड़े हैं या किसी किस्म के प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं स्पिरिचुअल गुरु हैं उनके लिए ये समय बड़ा अच्छा है क्योंकि अष्टम भाव इन सब चीज़ों को डिनोट करता है वीनस का चाहे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है वीनस का काम है भौतिक सुखों से सेक्स से आपकी यू नो आपकी एक पर्सनल लाइफ से आपके हर एक तरह के इंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट से अब अष्टम भाव में आपके लिए यहाँ पर असेंडस लॉड भी हैं आपके और शुक्र का भी यहाँ पर मिलाप हो रहा है तो बहुत सारे मिक्स रिजल्ट इन चौबीस पच्चीस दिनों में आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको यू नो हम बोल सकते हैं कि Uh, you will enjoy some go good moments, and you will enjoy some struggling days as well during this 24 or 25 days because you know your things are not working as per your expectations. You need to perform your best with the honesty and don't lose your hopes because you will uh, you know be in a part of any problem or any litigation during this 25 days. And once Venus enter in your ninth house, you will definitely relieve One Sun enter in your ninth house, you will definitely feel much relaxed and better. बट दीज ट्वेंटी फाइव डेज यू नीड टू बी केयरफुल वाल साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट जरूरत है आपको अपनी हर एक चीज़ों को केयरफुल होकर के चलने की बहुत ज़्यादा अब ध्यान रख के चलें अपनी चीज़ों का अदरवाइज आपको प्रॉब्लम का सामना यहां पे करना पड़ेगा किसी स्ट्रेंजर्स पे विश्वास ना करें अपना पैसा ना किसी को दें कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी चेक कर, चेक साइन करने से पहले सौ सो बार सोचें एक्सपर्ट्स की एडवाइस लें अपने बड़ों की एडवाइस लें उसके बाद किसी के साथ कोई कमिटमेंट करें अदरवाइज ये पच्चीस दिन आपके साथ कुछ क्वेश्चन मार्क लग सकते हैं या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज हो सकती है अब बात करते हैं वर्गोसैंडस की वर्गोसैंडस आपके लिए ये शुक्र का परिवर्तन एग्जाल्टेड होना आपके लिए बहुत अच्छी अपर्चुनिटीज रिवार्ड फेम प्रोस्पैरिटी लेकर आ रहा है आप बहुत ज्यादा सक्सेस आप इस समय में देखेंगे आपके रुके हुए काम क्लिक होंगे लेकिन यहां पर आपको जरूरत है अपनी परफॉर्मेंस में बेस्ट करने की क्योंकि यहाँ पर आपको पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं अगर आप अनमेरिड हैं तो आपकी शादी के बातचीत स्टार्ट हो जाएगी या आपको रिश्ता मिल सकता है लेकिन जितना ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे अपनी हर एक चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए उतना ज़्यादा आप सक्सेस को इन्जॉय करेंगे इन चौबीस पच्चीस दिनों में वर्गो अपने एफर्ट्स डालते रहें पॉजिटिव होकर आगे बढ़ते रहें तरक्की को आपकी माशाला कोई रोक नहीं सकता और यू विल एन्जॉय लॉट ऑफ लॉट ऑफ गुड मोमेंट्स विद योर लव्ड वन अगर आपका अफेयर है वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड किसी से बातचीत चल रही है तो वो क्लिक हो जाएगा अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको जॉब मिलेगी आपकी डेली इनकम राइज होगी अब बात करते हैं लिब्रा सेंडस की सिक्स हाउस में आपके सेंडस का लॉर्ड है अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें काल पुरुष की कुंडली में वीनस इज नॉट कंफर्टेबल हेयर एंड इन पाइसिस साइन फॉर यूर असेंडेंस वीनस इज बिट रिलैक्स एंड कंफर्टेबल बिकॉज जॉडिक साइन इज इज़ इन फेवर इन वीनस बट हाउस इज नॉट वेरी गुड फॉर वीनस सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ लो एनर्जी मेंटल स्ट्रेस चाहे शुक्र उच्च के हैं सूर्य के साथ हैं पूर्ण तौर से बेनिफिट रिजल्ट 100 परसेंट नहीं दे पा रहे हैं लेकिन फिर भी आपको कुछ अचीवमेंट्स यहाँ पर ज़रूर मिलेंगी जो कि फ़ॉरन से जुड़ी होंगी या फार अवे प्लेस से होंगी जहाँ पर आप रहते हैं कि आप अगर दिल्ली से हैं तो हो सकता है बॉम्बे से आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिले क्योंकि शुक्र और सूर्य की दृष्टि आपके बारहवें भाव पे है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स भी आपको इरिटेट करेंगे ये सारा समय आपका कुछ हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चा हो सकता है या आपके कोई फैमिली मेंबर की तबियत खराब हो सकती है कि आप कुछ पैसा जो है अपनी इनकम का आप हॉस्पिटल uh, पे लग रहा है या मेडिसिन ट्रीटमेंट पे लग रहा है सो नीड टू बी केयरफुल इवन कुछ ऐसा कुछ हो उससे पहले ही आप किसी को मेडिकल हेल्प यू uh, नो you know, देनी uh, स्टार्ट कर दें इवन 17 मार्च से पहले ही आप ये करें कोशिश कि सारा महीना 17 मार्च के बाद आप वीक में एक बार या दो बार किसी को 500 या हज़ार रुपये की मेडिकल हेल्प आप uh, सैटरडे वाले दिन फ्राइडे वाले दिन दे सकते हैं कि कोई बड़े यू नो इवेंट होने से बच जाएँ नेगेटिव इवेंट होने से बच जाएँ अदरवाइज़ ये समय आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ फ़ॉरन रिलेटेड लेकर आएगा फार अवे प्लेस रिलेटेड आपको थिंग्स जो हैं आपकी चीज़ें जो हैं वो बेटरमेंट की ओर जाएंगी अब बात करते हैं आपके स्कॉर्पियो uh, सैंडस की आपके लिए आपके ट्वेल्थ लॉर्ड और आपके सेवंथ लॉर्ड ट्रांजिट इन योर फिफ्थ हाउस पंचम भाव यू नो गेन्स ऑफ योर क्रिएटिविटी गेंस थ्रू योर क्रिएटिविटी यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी यू विल अर्न लॉट ऑफ नेम फेम प्रोस्पैरिटी बिकॉज वीनस इज इन फिफ्थ हाउस यू विल एन्जॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स योर लव लाइफ विल बी एक्सीलेंट योर एस विल सपोर्ट यू योर लव्ड वन विल सपोर्ट यू you will enjoy very good moment during these 25 days from 17th march to 10th of april 2021 these 24 25 days will be a biggest game changer for you in the terms of making money in the terms of your relationship in the terms of your tie up with your uh, you know family members or your loved one you will enjoy very good time you will enjoy a lot of source of earning. you may enter in a new positive events of your life and you will achieve a lot of milestone you will achieve lot of success during this time बिकॉज योअर वीनस इज एग्जाल्टेड इन योर फिफ्थ हाउस पंचम भाव क्या है आपकी क्रिएटिविटी आपका सोशलाइजिंग होना आपके दोस्त आपका लव्ड अफेयर आपके एजुकेशन आपका जिसको हम बोलते हैं कि लक्ष्मी स्थान भी पंचम भाव है मंत्र साधना भक्ति भी पंचम भाव है आपका पुनर्जन्म पास्ट लाइफ भी पंचम भाव है सो so पंचम भाव प्ले फिफ्थ हाउस प्ले अ बिग रोल इन पर्थार्ट सो वीनस इज एक्सालड एंड यू विल इन्जॉय लॉट ऑफ लॉट ऑफ गुड थिंग्स आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी फ़ील होगी बहुत ज़्यादा मेंटली रिलैक्स फील करेंगे और यहाँ पर आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी होगी ना वो कुछ क्रिएटिविटी में कन्वर्ट होगी जिससे आपको कुछ गेंस भी हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में अगर आपने पैसा लगा के रखा हुआ उससे आपको बड़े अच्छे गेंद्स होंगे स्कॉर्पियो इस समय को कैश करें ये 23, 24, 25 दिन आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर हैं खास करके फर्स्ट अप्रैल से लेकर टेंथ अप्रैल तक के जो दस दिन होंगे उसमें आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेंद्स रहेंगे फ़ौरन रिलेटेड एक्टिविटीज़ आप इंजॉय करेंगे अगर आप फ़ौरन में नहीं हैं या फ़ौरन जाना चाहते हैं या फ़ॉरन ट्रेवल करना चाहते हैं तो ये 23, 24, 25 दिन आपके लिए रिवार्ड्स लेकर आ रहे हैं फ़ॉर रिलेटेड सक्सेस लेकर आ रहे हैं बात करते हैं सेजिटेरियसैंडर्स से की फोर्थ हाउस में यहाँ पर वीनस आपके एग्जाल्टेड हो रहे हैं भौतिक सुख आपको मिलेंगे फैमिली के साथ आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे 17 मार्च से लेकर 10 अप्रैल यू नो 2021 तक यू विल फील मच रिलैक्स एंड मच कंफर्ट बिकॉज यू विल स्पेंड वेरी गुड टाइम विद योर फैमिली You will feel much relaxed. You will enjoy a lot of good energy and a lot of good positive, you know, aura you will enjoy because you will spend wonderful time with your mother, with your family members, with your wife because Venus is exalted and you may spend your money on luxurious item you may spend your money on lot of luxuries you may spend your money on lot of lot of good events like uh, you may buy a new vehicle you may invest your money in, uh, money in real estate or you may buy some uh, gold or silver because venus is exalted venus, uh, venus denote all these things like luxury items like a vehicle or property or you can say gold or silver or diamond so there is a strong chances you will invest your money in there and lot of new opportunities will knock you during this time you will be socialize yourself because you will get something from your friend circle you will get something from your uh, you know social circle so this whole time sagittarius you need to perform your best because jupiter your ascendant lord is already is in your second house in karka bhav. your savings will rise you will earn a lot of gains this whole time will bring lot of positivity and happy moments with your family and friends now i'm going to talk about capricorn as venus transit in your third house in exalted uh, motion you will enjoy lot of lot of uh, positivity. You will enjoy a lot of strong willpower, and some short distance journeys will make you happy. Your seniors will be satisfied from your performance. If you are willing to do something big in this time, then you will achieve lot of goals. This whole time will brings lot of positivity, lot of uh, you know you will get gains through communication. यू नो ई के थ्रू फोन कॉल्स के थ्रू आपको कुछ अच्छी खबर मिल सकती है जिसमें आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज आपके लिए बेनिफिट रहेंगी ये समय आप अपने लव्ड वन के साथ अच्छा इन्जॉय करेंगे लेकिन शुक्र जो है अपनी तीसरी दृष्टि शुक्र सॉरी शनि जो है लगन से अपनी तीसरी दृष्टि शुक्र पर डाल रहे हैं सूर्य पर डाल रहे हैं तो थोड़ा संभल के चलें लगन में शनि आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा डैमेज करने के लिए आपका इस समय सबर का इम्तहान ले रहे हैं सबर से चलें पेशेंस से चलें अपने स्पाउस को अपने लव्ड वन इज्जत दें जितनी इज्जत देंगे उतना रिश्ते में बने रहेंगे अदरवाइज शनि का लगन में होना शुक्र का सूर्य से अस्त हो जाना और शुक्र सूर्य के ऊपर शनि का तीसरी दृष्टि पे आस्पेक्ट डालना आपकी चीज़ों को खराब भी कर सकता है पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें अपने रिश्ते में जान डालें अगर आग लगी है तो उसको तेल नहीं डालना उस पर पानी डालकर आग को बुझाना है सो मोर यू डू द परफॉर्मेंस लाइक दिस be humble be polite and perform your best in your relationship you will definitely achieve a lot of things otherwise you will be a part of any problem you will be a part of any legal matters but you will definitely gain through short distance journeys, you will definitely get gains through communications, through phone calls, uh, if you are IT uh, related, uh, you know, uh, doing any job, you will definitely perform wonders and your seniors will be satisfied. Because third house represent communications, third house represent your abilities, your strong willpower, determination. So if you are doing any type of job, you try to perform your best, the more you put energy at your workplace, the more you get positive results so now i'm going to talk about aquarius ascendance, venus exalted in a second house in a, a savings house your money will rise your source of funding will develop and you will enjoy all around success but you need to be careful there is strong chances some unexpected gain, uh, unexpected expenditures will irritate you one side you will earn a lot of money second time uh, second side you will spend a lot of money without any reason so look your own unexpected. Unexpected expenditures. Don't go for any unexpected expenditures which you don't need. खर्चे की ओर ध्यान दें अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आप करेंगे जो आपके लिए परेशानी का आपके लिए सबब बन सकते हैं नियर फ्यूचर में पैसा जोड़ना आपके लिए एक्वेरियस बड़ा जरूरी है पैसा आएगा भी स्टांडर्ड में नई इन्वेस्टमेंट्स भी आप करेंगे ओल्ड इन्वेस्टमेंट से फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलेंगे सेविंग्स भी बढ़ेंगी लेकिन खर्च का लेवल भी बड़ा रहेगा क्योंकि शुक्र और सूर्य के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि है नीड टू बी केयरफुल पैसा आना एक बड़ी बात नहीं होती पैसे को संभाल कर रखना एक बड़ी बात होती है इसीलिए कुबेर के खजाने के ऊपर सांप हमेशा बैठा रहता है क्योंकि वो पैसा संभला रहे कि कोई भी उस पैसे को छुए तो वो सांप उसको डस ले बी लाइक दिस एक्वेरियस अदरवाइज यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल आफ्टर वन मंथ और टू मंथ वन सेटन एंड जुपिटर इज रेटोग्रेट so plan your life right now because these 24 25 days will be a biggest game changer if you plan everything as per your birth chart so must consult with your nearest astrologer to guide which type of planet you have which type of mahadasha you have right now which type of antardasha you have do you have any connection with sun venus saturn in your birth chart if you have you will definitely blessed with a lot of success but you will also uh, you know uh, go pass in a worst period in your life for un expected expenditures will irritate you your money goes to waste expenditures this is totally useless so try to perform your best do your wonders and save your money save your respect this time will definitely bring some good energy good positive uh, you know energy and you will enjoy a lot of fun now i'm going to talk about pisces senders venus is exalted in your first house venus is exalted in your first house

यू you नो know, आप प्लानिंग से चलाएंगे तो आपको नियर फ्यूचर में उसके बड़े एडवांटेज मिलेंगे जुपिटर सैटर्न इलेवंथ हाउस में हैं लगन में आपके शुक्र हैं 24 25 दिनों के लिए आपके लिए वो बेस बनाकर जाएंगे शुक्र लगन से कि आप हर एक तरह के भौतिक सुख को एंजॉय कर सकें और आप हर एक तरह के लग्जरियस लाइफ को इंजॉय कर सकें वो तभी इन्जॉय करेंगे जब कुछ फाइनेंशियल गेन्स होंगे क्योंकि भौतिक सुख लग्जरी सेस से जुड़ी हुई है यहां पर फॉरेन जर्नीज भी मुझे बनती दिखती हैं सेल्फ रिस्पेक्ट में गेन होता दिखता है आप अपने आप पर कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं अपने स्मार्ट दिखने पर कुछ पैसा कर सकते हैं दिस होल टाइम विल ब्रिंग्स ऑफ हैप्पीनेस पॉजिटिविटी ऑल अराउंड सक्सेस स्टोर फॉर यू आई एम विशिंग यू आर हैप्पी ट्रांजिट फॉर वीनस इन आई एम फॉर योर हैप्पी फ्यूचर थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो नमस्कार सत सतम जय हिंद